हेलो दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का डिजर ऑटोमेशन की इस पीएलसी सीरीज में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले कि राइजिंग एज और फॉलिंग एज होता क्या है। तो आप ये समझने के लिए ये वीडियो इन तक देखना ना भूले। तो हम चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे राइजिंग एज फॉलिंग एज की एक लेटर डायग्राम बना के उसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे कि राइजिंग एज फॉलिंग एज होता क्या है, ये कोई कैसा वर्क करता है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे इनपुट कॉल लेनी है। तो उस इनपुट कॉल को मैं एक एड्रेस दूंगा %RX0.0 हमारे राइजिंग एज को एक्टिवेट करने के लिए। तो आपको राइजिंग एज लेना है, तो राइजिंग एज लेने के लिए यहाँ पे आपको राइजिंग एज और ये फॉलिंग एज दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, राइजिंग एज पे डबल क्लिक करना है। जैसे राइजिंग एज पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए हमारा राइजिंग एज आ गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके राइजिंग एज को क्या करना है, एड्रेस देना है। तो मैं इसको RT एड्रेस देकर इंटर दबाऊंगा। जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा, डिक्लेयर वेरिएबल की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद क्लास में वेरिएबल नेम में RT टाइप में RTRIC ये सब बराबर होने के बाद ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद हमें उसका आउटपुट देखने के लिए एक डमी आउटपुट लेना है। डमी आउट इसलिए क्योंकि उसका आउटपुट क्विकली हमें शो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उस आउटपुट को डमी आउटपुट को लैच करके एक हम फिजिकल आउटपुट लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डमी आउटपुट लेते हैं। तो उसको मैं एड्रेस देता हूँ %MX0.0, उसके बाद इंटर दबाऊंगा। उसके बाद हमें क्या करना है, एक नेटवर्क लेना है। नेटवर्क लेने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक येनो कॉइल लेनी है। तो यहाँ पे येनो कॉइल लेके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है एड्रेस, उस एड्रेस को यहाँ पे मैं लेता हूँ। तो मैं इसको %MX0.0 टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं एक आउटपुट एक स्टॉप बटन लेता हूँ, उसको आउटपुट को स्टॉप करने के लिए। तो उसको मैं एड्रेस देता हूँ %RX0.1, उसके बाद इंटर दबाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक आउटपुट लेना है। तो उसको मैं एक आउटपुट लेता हूँ, उसको एड्रेस देता हूँ %QX0.0, उसके बाद इंटर दबाऊंगा। अब हमें क्या करना है, उसको लैच करना है। तो लैच करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्रांच लेते हैं, पैरेलल कॉन्टैक्ट लेते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको लैच करते हैं। तो उसको मैं आउटपुट का एड्रेस दूंगा %QX0.0, उसके बाद इंटर दबाऊंगा। ये हुआ हमारा राइजिंग एज। तो हम क्या करेंगे, राइजिंग एज और फॉलिंग एज का दोनों का आउटपुट एक साथ देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलिंग एज लेने के लिए यहाँ पे न्यू नेटवर्क लेना पड़ेगा। तो न्यू नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ। जैसे न्यू नेटवर्क पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे न्यू नेटवर्क आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक येनो कॉइल लेनी है। उसके बाद हमें उसको एक एड्रेस देना है %RX0.2, उसके बाद इंटर दबाना है। उसके बाद इंटर दबाने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, फॉलिंग एज लेना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे फॉलिंग एज आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो यहाँ पे फॉलिंग एज आ गया है। तो उसको मैं एड्रेस देता हूँ, यहाँ पे मैं उसको UFT एक उसको नेम देता हूँ। उसके बाद इंटर दबाऊंगा। जैसे इंटर दबाऊंगा, डिक्लेयर वेरिएबल की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, क्लास में वेरिएबल नेम में UFT, उसके बाद टाइप में UFT, ये बराबर होने के बाद ओके पे क्लिक करना है। जैसे भी ओके पे क्लिक करेंगे, और उसको हमें क्या करना है, एक डमी आउटपुट लेना है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, एक डमी आउटपुट लेता हूँ। तो उसको मैं एड्रेस देता हूँ, मैं उसको एड्रेस देता हूँ %MX0.1, उसके बाद इंटर दबाऊंगा। उसके बाद हमें क्या करना है, एक नेटवर्क लेना है। तो मैं नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ। जैसे नेटवर्क पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक नया नेटवर्क आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक उस FT के आउटपुट को लैच करना है। तो हम क्या करते हैं, उसको लैच करते हैं। तो %MX0.1, उसके बाद इंटर। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप स्विच लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक स्टॉप का बिट लेना है। तो उसको मैं %RX0.3 टाइप करके इंटर दबाऊंगा। उसके बाद एक आउटपुट लेना है। तो यहाँ पे मैं आउटपुट लूंगा, उसको एड्रेस दूंगा %QX0.1, उसके बाद इंटर दबाऊंगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पैरेलल कॉन्टैक्ट लेना है। पैरेलल कॉन्टैक्ट लेने के बाद मैं उसको %QX0.1 जो फॉलिंग एज का जो फिजिकल आउटपुट का एड्रेस है यहाँ पे मैं दूंगा। उसके बाद हमें उसको रन करना है। तो रन करने से पहले हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट पे जाके बिल पे क्लिक करना है। बिल पे
क्लिक करेंगे हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। आपको कोई एरर है प्रोजेक्ट में तो यहाँ पे आपको एरर शो हो जाएगा, तो हमारे प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं है। उसके बाद ऑनलाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद सिमुलेशन मोड पे क्लिक करना है। सिमुलेशन मोड पे क्लिक करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, उसके बाद रन पे क्लिक करना है। ये हमारा प्रोग्राम रन मोड में आ गया है। तो दोस्तों राइजिंग एज और फॉलिंग एज होता क्या है? तो राइजिंग एज क्या होता है, जब आप राइजिंग एज को एक पल्स देते हैं, मतलब उसको आप ऑन करते हैं, तो ऑन करते हैं मतलब हम उसको 0 से 1 करते हैं। जो 0 से 1 करते हैं तो वो 0 से 1 करने की जो एज होती है, तो उसी एज में उसी पल्स में क्या होता है, हमारा राइजिंग एज ऑन होता है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे हम उसको 0 से 1 करते तो उसी 0 से 1 करने के टाइम में उसी एज में हमारा आउटपुट क्या होता है, ऑन होता है। तो आप उस आउटपुट को नहीं देख सकेंगे, इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पे उसको लैच किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आउटपुट यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो हमने उसको होल्ड करके रखा है तो कंटिन्यूसली सप्लाई क्या करेगा, ट्रांसफर करता रहेगा। तो चलो हम देखते हैं, तो उसको क्या ऑन करना है, तो हम क्या करेंगे राइजिंग एज के इनपुट पे डबल क्लिक करके ऑनलाइन पे जाके राइट वैल्यू कर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने उसको ऑन किया तो उसी एज में क्या होता है, वो ऑन होता है। मतलब 0 से 1 होने की जो एज है उसी एज में क्या होता है, वो ऑन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। देख लीजिए ये मैंने इसको क्या किया, स्टॉप किया। तो मैंने क्या किया यहाँ पे Ctrl+F7 दबा के मैंने इसको स्टॉप किया। आप भी क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन में बार बार जाने के बजाय, राइट वैल्यू करने के बजाय Ctrl+F7 दबा के उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे फॉलिंग एज। तो फॉलिंग एज होता क्या है, तो फॉलिंग एज मतलब जैसे राइजिंग एज में होता है, हम राइजिंग एज में 0 से 1 करने की जो एज होती है उसी एज में हमारा राइजिंग एज ऑन होता है। लेकिन जो फॉलिंग एज होता है, तो फॉलिंग एज होता क्या है, जो उसकी एज 0 से 1 करने की जो एज होती है, जैसे हम उसको ऑफ करते हैं, मतलब 1 से 0 करते हैं, तो उसी एज में क्या होता है, हमारा राइजिंग एज का जो आउटपुट है वो ऑन होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं इसको राइजिंग एज फॉलिंग एज को ऑन करता हूँ Ctrl+F7 दबा के। देख लीजिए मैंने इसको ऑन किया लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। अब जैसे ही मैं उसको 1 से 0 करूँगा तो उसी एज में क्या हो जाएगा, हमारा राइजिंग एज का आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो देख लीजिए मैं इसको क्या करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। जैसे ही मैंने उसको सप्लाई काट दिया, सप्लाई बंद कर दिया उसका मैंने उसी एज में, मतलब जैसे ही मैंने 1 से 0 किया तो उसी 1 और 0 के होने की जो एज रहती है उसी एज में क्या हुआ, हमारा आउटपुट ऑन हो गया। ये आपको उतनी क्विक स्पीड में आपको यहाँ पे उसका आउटपुट नहीं दिखाई देगा, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे दूसरा फिजिकल आउटपुट लेके उसको होल्ड किया, क्योंकि आपको वो आउटपुट उस आउटपुट को आप देख सके। तो ये हुआ हमारा राइजिंग एज और फॉलिंग एज। तो राइजिंग एज और फॉलिंग एज में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।